मध्य प्रदेश में पीछे चुनावी विवाद, कमलनाथ सिंधिया के भरोसे कांग्रेस का हार, क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगा शिवराज और राकेश सिंह का साथ, किसकी होगी जीत, किसे मिलेगी मात, ये है मुद्दे की बात। मध्य प्रदेश चुनावी रंग में रंगा नजर आने लगा है। सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सियासत के शतरंज पर बिसात बिछा दी है। एक तरफ सत्ता का चौका लगाने के लिए बीजेपी को शिवराज के चेहरे पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के जरिए अच्छे दिन आने का सपना देख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए निकल गए हैं। शिवराज को उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं के जरिए अब की बार 200 पार सीटों पर कमल खिलेगा। वहीं कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही कमलनाथ सिंधिया के भरोसे मैदान में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो 15 साल से झेल रही सत्ता के सूखे को खत्म कर पाएगी। इधर बसपा और सपा भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। कुल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिन भोपाल में रहकर गठबंधन की संभावनाओं को टटोले गए हैं। इधर बसपा प्रमुख मायावती भी सम्मानजनक सीटें मिलने पर गठबंधन की बात कह चुकी है। साफ है, अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस बसपा और सपा एक होते हैं तो नतीजों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 2013 चुनाव में कई सीटों पर हार और जीत का अंतर बहुत कम था। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 45.2% वोट मिले थे, कांग्रेस को 36.8% वोट मिले थे, तो वहीं बसपा को 6.42% वोट मिले थे। खैर, वोट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, पर नए समीकरणों ने मुकाबला रोचक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।